आप कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा प्लैनेट हमारी पृथ्वी से कितना बड़ा हो सकता है। हम जानते हैं कि जुपिटर हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जुपिटर भी ब्रह्मांड के सबसे बड़े प्लैनेट के सामने बिल्कुल मामूली हो। वेल, इस वीडियो में हम प्लैनेट्स के साइज का कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे ब्रह्मांड के सबसे छोटे प्लैनेट से लेकर ब्रह्मांड के सबसे बड़े प्लैनेट के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। ये है वरुणा, जो कि ड्वार्फ प्लैनेट्स की कैटेगरी में आता है। इसका ऑर्बिट नेपच्यून प्लैनेट के बाहर है और ये सूर्य का एक चक्कर 279.26 सालों में कंप्लीट करता है। इसका डायमीटर लगभग 668 किलोमीटर है, जो कि हमारी पृथ्वी के चंद्रमा से लगभग 5.2 गुना छोटा है। इस माइनर प्लैनेट को साल 2000 में खोजा गया था और इसका नाम हिंदू देवता वरुण के नाम पर दिया गया, वरुणा। ये है सीरिस, ये भी ड्वार्फ प्लैनेट्स की श्रेणी में आता है। ये मंगल और जुपिटर के बीच मौजूद एस्ट्रॉयड बेल्ट का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है और ये इकलौता ऐसा ड्वार्फ प्लैनेट है जो कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदरूनी भाग में आता है। इसको छोड़कर सारे ड्वार्फ प्लैनेट्स सोलर सिस्टम के बाहरी भाग में आते हैं। सीरिस एस्ट्रॉयड बेल्ट में खोजा गया सबसे पहला सदस्य भी है, जिसको साल 1801 में खोजा गया था। और ये पहला ऐसा ड्वार्फ प्लैनेट भी बना जिसको इंसानों द्वारा बनाए गए किसी स्पेसक्राफ्ट ने विजिट किया। साल 2015 में नासा के डॉन स्पेसक्राफ्ट ने सीरिस को पहली बार विजिट किया था। वैसे तो सीरिस को कई सालों तक एक एस्ट्रॉयड ही माना जाता रहा था, लेकिन इसका आकार अपने पड़ोसी एस्ट्रॉयड्स की तुलना में बहुत बड़ा और अलग था। इस वजह से साल 2006 में वैज्ञानिकों ने इसे ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया। सीरिस को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 4.6 सालों का वक्त लगता है। सीरिस वैज्ञानिकों को इसलिए और ज्यादा आकर्षित करता है क्योंकि इस पर पानी है और वैज्ञानिक इस पर किसी भी फॉर्म में जीवन होने के संकेत ढूंढ रहे हैं। इसका डायमीटर 946 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी के चंद्रमा से लगभग 3.6 गुना छोटा है। ये है ऑर्कस, जो कि कुइपर बेल्ट में मौजूद एक ड्वार्फ प्लैनेट है, जिसका डायमीटर 958 किलोमीटर है। ऑर्कस ऑर्बिटल कैरेक्टरिस्टिक्स में लगभग प्लूटो के ही समान है, लेकिन कई तरह से ये प्लूटो से उल्टा है, इसलिए ऑर्कस को एंटी प्लूटो भी कहा जाता है। ये है सैटर्न, जो कि सौरमंडल का सबसे बाहरी ड्वार्फ प्लैनेट है, या यूं कहें कि ये इकलौता ऐसा ड्वार्फ प्लैनेट है जो सूर्य को सबसे दूर से ऑर्बिट कर रहा है। हमसे प्लूटो जितनी दूर है, ये उससे भी 3 गुना ज्यादा दूर है। इसका डायमीटर 995 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी के चंद्रमा से लगभग 3.5 गुना छोटा है। ये इतना दूर है कि यहाँ से अगर सूर्य की तस्वीर ली जाए तो सूर्य भी आकाश में मौजूद अन्य तारों की ही तरह छोटा दिखाई देता है। ये सूर्य की एक परिक्रमा 11408 सालों में पूरी करता है। ये है एरिस, जो कि आकार में लगभग प्लूटो के ही समान है। इसका डायमीटर 2326 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी के चंद्रमा से लगभग 1.5 गुना छोटा है। ये 558 सालों में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी कर पाता है। एरिस हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ड्वार्फ प्लैनेट है। और ये रहा सौरमंडल का सबसे चर्चित ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो, जो कि कुइपर बेल्ट का एक सदस्य है और ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ड्वार्फ प्लैनेट है। दरअसल प्लूटो का इतिहास काफी रोमांचक रहा है। इसको साल 1930 में खोजा गया था, तब इसको सोलर सिस्टम के 9th प्लैनेट का खिताब प्राप्त हुआ था और कई सालों तक ये सौरमंडल के 9वें ग्रह के रूप में जाना जाता रहा। लेकिन साल 2006 में प्लूटो से ग्रह होने का दर्जा छीन लिया गया और इसको ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया। इसका डायमीटर 2376 किलोमीटर है, जो कि लगभग एरिस के ही समान पृथ्वी के चंद्रमा से लगभग 1.5 गुना छोटा है और ये सूर्य की एक परिक्रमा 248 सालों में पूरी करता है। ये रहा हम सबका प्यारा चंदा मामा, जो कि पृथ्वी का इकलौता चांद है। इससे तो हम भली भांति परिचित हैं। चंद्रमा हमारे सोलर सिस्टम का 5वां सबसे बड़ा मून है। इसका डायमीटर 3474 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी से लगभग 3.6 गुना छोटा है। ध्यान दें कि मैं यहाँ पर सिर्फ आकार की तुलना कर रहा हूँ, ना कि मास की। ये है कैलिस्टो, जो कि जुपिटर का दूसरा सबसे बड़ा मून है और हमारे सोलर सिस्टम का तीसरा सबसे बड़ा मून है। इसको गैलीलियो गैलीली द्वारा साल 1610 में खोजा गया था। इसका डायमीटर 4821 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी के चंद्रमा से लगभग 1.4 गुना ज्यादा बड़ा है। ये है मरकरी, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे नजदीकी प्लैनेट है। ये सूर्य की एक परिक्रमा पृथ्वी के 88 दिनों में पूरी करता है। इसका डायमीटर 4879 किलोमीटर है, जो कि लगभग जुपिटर के मून कैलिस्टो के बराबर है, जो कि पृथ्वी से लगभग 2.6 गुना छोटा है।
ये है मंगल ग्रह, जो कि सूर्य से चौथा प्लैनेट और हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे छोटा प्लैनेट है। वैसे तो मंगल ग्रह अपनी खूबियों की वजह से वैज्ञानिकों के बीच हमेशा ही चर्चा में रहता है और बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसी समय समय पर इस पर मार्स मिशन करती रहती हैं। वैज्ञानिक इस पर भविष्य में मानव बस्तियां बसाने का विचार बना रहे हैं। ये प्लैनेट 687 दिनों में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी कर पाता है। इसका डायमीटर 6779 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी के चंद्रमा से लगभग 2 गुना बड़ा है और पृथ्वी से लगभग 1.9 गुना छोटा है। ये है वीनस, जो कि सूर्य से दूसरा प्लैनेट है और हमारी रात के आसमान का चांद को छोड़कर सबसे चमकदार ऑब्जेक्ट है और ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है। ये आकार में लगभग पृथ्वी के बराबर है। इसका डायमीटर 12104 किलोमीटर है और इससे थोड़ा सा ही बड़ा प्लैनेट है हमारी अर्थ, जो कि हमारा घर है। ये सौरमंडल का इकलौता जीवन को धारण करने वाला प्लैनेट है। यहाँ तक ज्ञात ब्रह्मांड में अभी तक पृथ्वी के अलावा कहीं और जीवन के संकेत मिले ही नहीं। हमारी पृथ्वी का डायमीटर 12742 किलोमीटर है। पृथ्वी से थोड़ा सा बड़ा है प्रोक्सिमा बी एक्सोप्लैनेट, इसे प्रोक्सिमा सेंटोरी बी भी कहा जाता है। ये एक्सोप्लैनेट हमारे सौरमंडल के पड़ोसी सोलर सिस्टम में मौजूद रेड ड्वार्फ स्टार के चक्कर काट रहा है। ये प्लैनेट पृथ्वी की ही तरह हैबिटेबल जोन में है और वैज्ञानिक इस पर जीवन होने की उम्मीद करते हैं। इसकी विशेषताएं भी पृथ्वी के समान हैं। ये प्लैनेट हमसे 4.24 लाइट ईयर्स दूर है। इसका डायमीटर 14031 किलोमीटर है। ये है केपलर ट्रेंसी एक्सोप्लैनेट, जो कि हमसे 564 लाइट ईयर्स दूर है। इसका डायमीटर 17859 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी से 1.4 गुना बड़ा है। ये है कोरोट 7b एक्सोप्लैनेट। इसकी खास बात यह है कि इसका टेम्परेचर इतना अधिक है कि इसका सरफेस लावा से घिरा हुआ है और इस पर होती है पत्थरों की बारिश। इसका डायमीटर 20018 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से लगभग 1.6 गुना बड़ा है। ये है 55 कैंकरी ई एक्सोप्लैनेट, जो पृथ्वी से 40 प्रकाश वर्ष दूर है। इस प्लैनेट की सबसे खास बात यह है कि यह पूरा प्लैनेट हीरे से बना हुआ है। इसका डायमीटर 23891 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से लगभग 1.9 गुना बड़ा है। ये है ग्लीस 581d एक्सोप्लैनेट। ये रॉकी प्लैनेट भी अपने तारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद है। इस पर भी पृथ्वी जैसी कंडीशंस मौजूद हैं। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है कि इस प्लैनेट पर एलियन लाइफ मौजूद हो। ये प्लैनेट हमसे लगभग 20 लाइट ईयर्स दूर है। इसका डायमीटर 28063 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी से 2.2 गुना बड़ा है। ये है अपने सोलर सिस्टम का नेपच्यून, जो कि सूर्य से 8वां और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे दूर स्थित प्लैनेट है। ये सूर्य की एक परिक्रमा 165 सालों में पूरी कर पाता है। इसका डायमीटर 49244 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी से 3.86 गुना बड़ा है। ये है यूरेनस, जो सूर्य से 7वां प्लैनेट है। ये सूर्य की एक परिक्रमा 84 सालों में पूरी करता है। ये नेपच्यून से थोड़ा सा ही बड़ा है। इसका डायमीटर 50724 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से लगभग 4 गुना बड़ा है। और ये है अपने सौरमंडल का ताज सैटर्न, जिसकी रिंग्स की वजह से इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। ये सूर्य से 6वां प्लैनेट है और अपने सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है। ये सूर्य की एक परिक्रमा 29 सालों में पूरी करता है। इसका डायमीटर 116460 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से 9.1 गुना ज्यादा बड़ा है। और ये है जुपिटर, जो सूर्य से 5वां और अपने सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। ये सूर्य की एक परिक्रमा 12 सालों में पूरी करता है। इसका डायमीटर 139820 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से लगभग 11 गुना बड़ा है। लेकिन भले ही यह विशालकाय प्लैनेट हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट हो, लेकिन आगे आने वाले प्लैनेट्स के सामने ये भी मामूली सा है। ये है वास्प 12b एक्सोप्लैनेट, जो हमसे लगभग 870 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका डायमीटर 255940 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से 20 गुना और जुपिटर से 1.83 गुना बड़ा है। ये है रॉक्स 42b एक्सोप्लैनेट, जो हमसे 440 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका डायमीटर 257000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से लगभग 20.2 गुना बड़ा है। ये है GQ लूपी बी एक्सोप्लैनेट, जो पृथ्वी से 77.4 गुना और जुपिटर से 7 गुना बड़ा है। और ये है ज्ञात ब्रह्मांड का अभी तक का खोजा गया सबसे बड़ा प्लैनेट HD 100546b, जो हमसे 316 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद है। ये अपने तारे का एक चक्कर लगभग 250 सालों में पूरा करता है। इस प्लैनेट का डायमीटर 946590 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से लगभग 77.5 गुना बड़ा है और जुपिटर से 7 गुने से भी ज्यादा बड़ा है।
अगर इसके मास की बात करें तो इसका मास जुपिटर से 752 गुना ज्यादा है। अगर इस प्लैनेट की अपने सूर्य से तुलना करें तो हमारा सूर्य इससे सिर्फ 1.4 गुना ही बड़ा है। इतना विशाल है ये प्लैनेट। हम ये नहीं कह सकते कि ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा प्लैनेट है, बल्कि ये अभी तक का खोजा गया सबसे बड़ा प्लैनेट है। क्या पता कि आने वाले समय में वैज्ञानिक इससे भी बड़ा प्लैनेट खोज लें। वैसे दोस्तों, आपको इनमें से कौन से प्लैनेट ने ज्यादा हैरान किया, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं।